तो बच्चे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरह से ये क्रिस्टल जो है वो ह्यूमन के लिए तो सेफ है लेकिन पेस्ट के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक, तो अभी जरा हम इसको आगे पढ़ेंगे। बैसिलस थुरैनजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। पहली बात बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। इसका मतलब डीएनए के अंदर कोई जीन है जो इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट और रॉन्ग? यस हाँ, प्रोटीन के बन क्या रहे हैं, क्रिस्टल बन रहे हैं, तो इसीलिए हम इस जीन का नाम भी रख देंगे क्राइजीन। क्या नाम रख देंगे इस जीन का, क्रिस्टल का सी क्राइजिन आर वाई ले लेंगे, क्राइजिन क्रिस्टल का सी आर वाई ले लेंगे, और ये जीन का नाम पड़ गया क्राइजीन। क्लियर यहां तक? ठीक है, कुछ आपको डायग्राम दिए हैं बर्ड वॉर्म ऑफ लेपिडोटायरन्स के, अब आ जाओ आगे। तो देखो ये डायग्राम है, क्या हुआ, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। अभी अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया से डीएनए निकालेंगे, डीएनए पे क्या चलाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ लंबे कुछ मोटे, राइट? इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे अभी? शाबाश शाबाश, टू फाइंड आउट जीन ऑफ सेट इंटरेस्ट, हाँ, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस, करेक्ट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्या यूज करेंगे इसके बाद, मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बेटा, शाबाश। इसके बाद हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कल ही पढ़ा है हम, दैट इज अभी हमें इसको एम्पलीफाई करना है ना, तो क्या यूज करेंगे, जल्दी बताओ, दैट इज डाउनस्ट्रीम नहीं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो सबसे एंड में है बच्चे, उससे पहले हम इसकी पीसीआर करेंगे, क्या करेंगे, पॉलीमराइज चेन, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिलियन टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आई बात समझ, जैसे वो यस सर मल्टीप्लाई होगा इसको हम प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे, कौन सा प्लाज्मिड, PBR322, जो भी लिया हो, मैं तो वैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जिसके अंदर क्या लेते हैं बेटा हम, सिलेक्टेबल मार्कर्स, जब डालेंगे बिलियंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो कुछ में जुड़ेगा कुछ में नहीं, माने कुछ ट्रांसफॉर्म होंगे कुछ नॉन ट्रांसफॉर्म होंगे, उनके बीच डिफरेंस के लिए ही तो हमने क्या लिए हैं, सिलेक्टेबल मार्कर, विच इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एक और टेक्निक मैंने बताई थी, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बताया था कि नहीं? ठीक यस सर है, तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में हम चूज कर लेंगे, तो कौन सा हमारे लिए यूजफुल है बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेट बिल्कुल सही, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डालेंगे, तो इसके लिए बैक्टीरिया को हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट वेरी गुड, कॉम्पिटेंट, राइट, कॉम्पिटेंट बना के जैसे ही हमने इसके अंदर प्लाज्मिड डाला, अब हम उसको कहाँ डालेंगे, बायो रिएक्टर। इससे ठीक मुझे एक चीज और याद आई जो मैंने कल काम दिया था, किया है आप लोगों ने, नहीं किया तो आज के आज कर लेना है, दोनों बायो रिएक्टर के लगभग 5 से 6 6 पॉइंट्स लिखने हैं, सो दैट वो हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है? बायो रिएक्टर यस में बेटा कैसी प्रोटीन बनेगी, शाबाश जल्दी बताओ, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी, कैसी प्रोटीन बनेगी, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिंग हाँ, और उससे अच्छी प्रोटीन निकालने के लिए हमें, या उससे सेपरेट करने के लिए, उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से हमारे इंटरेस्ट की जो प्रोटीन है, जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने बनाई है, उसके लिए हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन, और दूसरा प्योरिफिकेशन, एंड दिस इज नोन प्योरिफिकेशन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बोलो बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये तो कल वाला प्रोसेस है जो हमने पढ़ा, आज वाले में क्या करेंगे, बैक्टीरिया से डीएनए निकालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे किसके साथ, प्लांट के
डीएनए के साथ। आई बात समझ? छोड़ देंगे प्लांट के डीएनए के साथ। यस सर। हाँ, अब जैसे ही इसको यहां जोड़ेंगे ये बन जाएगा आरडीएनए, माने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालेंगे? प्लांट के जर्म सेल में। अब जो न्यू प्लांट होगा बेटा, उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोटीन बनाता है ना, क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन, तो वो बननी शुरू हो जाएगी न्यू प्लांट में, क्योंकि उसके गैमीट में या उसके जर्म सेल में हमने ये डाल दिया है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये किससे लिया? बैक्टीरिया, राइट? किस बैक्टीरिया से? बेसिलस थुरैंजेनेसिस। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन, तो इसीलिए इसका नाम बीटी टॉक्सिन बोलेंगे, राइट? जो ये रिलीज करेगा, किस रूप में रिलीज करेगा, किस फॉर्म में करेगा? दैट इज प्रोटॉक्सिन, माने इनएक्टिव फॉर्म। तो जब इंसेक्ट आएगा इस प्लांट में, लीव्स खाएगा, तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉक्सिन। तो जैसे ही वो लीव्स खाएगा, वो प्रोटॉक्सिन उसके गट में जाएगा, और गट में जाके उसको एल्केलाइन मीडियम मिलेगा, जहां पे वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उसके स्टमक में जो लाइनिंग होगी। जैसे ही बाइंड करेगा, वहां पे लाइसिस करना शुरू करेगा, ब्रेक डाउन, और फाइनली इस पेस्ट की क्या हो जाएगी? डेथ। तो बात समझ? यस सर। कोई दिक्कत इसमें नितिका? नो सर। ठीक है, चलो फिर। तो हमने ये पढ़ लिया, अभी हम चलते हैं आगे। बाकी बेटा मैंने तुम्हें बताया था ये स्पेसिफिक है। मान लो ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोटॉक्सिन यूज कर रहा है, बना रहा है, और इससे ए नाम का पेस्ट जो है वो मर रहा है। लेकिन कल को मान लो बी नाम का पेस्ट आया, फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? फिर कोई और बैक्टीरिया देखेंगे, कोई और प्रोटॉक्सिन देखेंगे जो इस बी को मार सके। बात समझ में? यस सर। ठीक है, चले फिर आगे। यस। ठीक है, तो टॉक्सिन कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई, बिकॉज क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, राइट? इसके बाद आपको याद रखना है प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन, दैट इज क्राई 1AC और क्राई 2AB। बेटा ये किसको मारता है? कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म। क्या नाम है? कॉटन। कॉटन। और क्राई 1AB किसको मारता है? कॉर्न बोरर। किसको मारता है बेटा? कॉर्न बोरर। इम्पोर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, ठीक है, चले फिर आगे। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे। तो एक तरीका तो हमने ये पढ़ा जिस पे हमने काम किया, हमने बनाया बीटी कॉटन। कॉटन में हमने क्या डाल दिया? बेसिलस थुरैंजिनेसिस का जीन डाल दिया, क्राइजीन। ठीक, तो ये तो किया हमने, लेकिन बेटा प्लांट खुद को बचाने के लिए भी तो कुछ करेंगे ना, है ना? आपने पढ़ा है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वही सर्वाइव करता है जो फिट होता है, राइट? इसका मतलब प्लांट भी खुद को क्या रखेंगे? फिट रखेंगे, सो दैट दे कैन सर्वाइव। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, तो अब जो तुम टेक्निक पढ़ने जा रहे हो ये प्लांट ने खुद डेवलप करी है, समझे मेरी बात? क्लियर? तो कैसे करिए? बहुत छोटी सी टेक्निक है इसको पढ़ना, लेकिन अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, इसको याद करने के लिए या इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे इसको इसी तरह से पढ़ना होगा, फिर जाके आपने बुक पढ़नी है तो समझ आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी समझ। ठीक है, तो होता क्या है जरा ध्यान से सुनना। इस टेक्निक में इसका नाम है बेटा RNAi, या हम इसे कहते हैं RNA इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? RNA इंटरफेरेंस या फिर RNAi, या इसे हम RNA साइलेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? RNA साइलेंसिंग। कहने का मतलब यह है जो RNA है इसको साइलेंस कर देंगे हम। साइलेंस माने चुप कर देंगे। चुप करना मतलब RNA से क्या बनता था? प्रोटीन बनता है कि नहीं? यस तो सर। अगर RNA साइलेंस हुआ तो प्रोटीन बन पाएगी, नो सर। और अगर प्रोटीन नहीं बनी तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बोलो बात समझ में? यस सर। और किस ऑर्गेनिज्म के RNA को साइलेंस करना है? जिस ऑर्गेनिज्म को मारना चाहते हैं। किसको मारना चाहते हैं? पेस्ट को, राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब हम किसके RNA को साइलेंस करने वाले हैं? पेस्ट के।
समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। अब पेस्ट के आरएनए को ये प्लांट कैसे साइलेंस करेगा वो देखना जरा। देखो तो यहां समझो पहले, उसके बाद मैं यहां पर लेके आऊंगा। देखो बेटा होता क्या है, मान लो ये आरएनए है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये आरएनए है, इस आरएनए को साइलेंस करना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच से तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो प्रोटीन नहीं बनेगी ना जो बननी चाहिए, राइट। इसको बीच से तोड़ने के लिए मुझे इस कहां से इसे तोड़ना है उस चीज को पहचानने के लिए मुझे कुछ भेजना पड़ेगा जो मार्क करके आए कि भाई साहब यहां से काटो। उसके लिए मैं एक छोटा सा सीक्वेंस भेजूंगा सामने जो इसके साथ बाइंड करेगा और मुझे पता चल जाएगा इसको यहां से कट करना है, और इसको यहां से कट करके इसकी क्या हो जाएगी, साइलेंसिंग। बोलो इतना समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? ठीक, यस सर। अब जो ये छोटा सा सीक्वेंस है ये कहां से आएगा बच्चे, ये भी हमें देखना है, राइट। ऐसे तो नहीं भेज सकते कहीं से भी, तो ये आरएनए किसका है, पेस्ट का आरएनए। पेस्ट के आरएनए पे एक छोटा सा सीक्वेंस आके चिपकेगा और उस जगह से कटिंग होगी, उसके लिए भी कुछ चाहिए तो वो भी हम देखेंगे। तो जैसे ही यहां से कटिंग होगी, ये जो आरएनए है ये दो टुकड़ों में कट जाएगा और यहां से इसकी क्या हो जाएगी, साइलेंसिंग, माने प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी और पेस्ट क्या हो जाएगा, डेड। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? नितिका क्लियर है? अर्थिता सर ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये रेड वाला जो है ये कहां से आएगा, तो सुनना जरा। अभी हम क्या लेंगे, अब जरा स्टार्टिंग से चलते हैं, ये तो लास्ट स्टेप बताया ना मैंने, हम करने क्या वाले हैं, अब जरा स्टार्टिंग में आओ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड नॉर्मली आ रहे हैं। आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो डबल स्टैंडर्ड कहां से आएगा ये भी देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो बेटा जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा, हमारे पास क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी और उस प्रोटीन का नाम है डाइसर। क्या नाम है बेटा? डाइसर। हाँ डाइसर, इधर लिख देता हूं, डाइसर नाम की प्रोटीन आएगी। और ये डाइसर नाम की जो प्रोटीन है ये इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, ये कुछ ऐसी दिखेगी, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर देगी। मान लो इतना छोटा सा पोर्शन कट कर दिया, जैसे ही ये पोर्शन कट होगा ये छोटा सा पोर्शन हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसको कहा जाएगा बेटा एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलेंगे इसे हम, स्मॉल न्यूक्लियर या हम इसे माइक्रो आरएनए भी कह सकते हैं, माइआरएनए, ठीक। माइक्रो माने छोटा सा आरएनए, क्लियर। अभी बेटा ये माइक्रो आरएनए कहाँ जाएगा, ये जाएगा एक बड़ी सी प्रोटीन के पास। इस प्रोटीन का नाम है आर्गोनॉट। क्या नाम है इस प्रोटीन का, आर्गुनॉट। आर्गोनॉट के पास क्या आ जाएगा, ये माइआरएनए। बोलो आ गया। और इसके पास दूसरी चीज क्या है, डाइसर नाम की प्रोटीन है। ये तीनों चीजें एक साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है रिस्क कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बेटा इसका, रिस्ट कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म है इसकी, आरएनए इंड्यूसिंग आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, राइट। अभी क्या होगा, ये जो दो आपको माइक्रो आरएनए के स्ट्रैंड दिख रहे हैं बेटा माइआरएनए के, इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड यहां से बाहर निकल जाएगा, तो मान लो नीचे वाला स्टैंड बाहर निकल गया, बचा क्या, ऊपर वाला स्टैंड। ये ऊपर वाला स्टैंड कौन कौन निकालने में हेल्प करेगा, आर्गोनॉट नाम की प्रोटीन। जैसे ये निकलेगा ऊपर वाला स्टैंड यहां से फ्री हो जाएगा और वो नीचे आकर अटैच हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई नितिका, यस क्लियर है बेटा यहां तक। जैसे ही ये यहां पर अटैच हुआ, पीछे से कौन आएगा बेटा, दैट इज डाइसर। डाइसर आएगी और यहां से इसको कट कर देगी। बोलो बात समझ में आई,
क्लियर। डाइसर आई, उसने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद टू पीसेस हुए एंड दैट मींस कि प्रोटीन की फॉर्मेशन बंद हुई एंड इसकी क्या हो गई, साइलेंसिंग। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग। बोलो बात समझ में आई बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, तो दिस इज आरएनए आई, या इसको हम कहेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। अभी क्या करेंगे, इंटरफेरेंस वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे आज के आज ही, और मुझसे पूछेंगे अगर उसमें कुछ समझना है, राइट? या इसी को हम क्या कहेंगे, आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है बेटा, तो ये आपने पढ़ लेना है, आज हम इसको यहीं तक करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे जहां पर हम इसको खत्म करेंगे, और परसों से हम इकोलॉजी शुरू कर देंगे। क्लियर है यहां तक यस सर, बेटा? कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना, ठीक है? यस सर, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।